आपका आपकी अपनी रसोई विजेता की रसोई में। और आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। इसे आप ग्रीन आलू का पराठा भी नाम दे सकते हैं। तो आप इसे एक बार बनाइए और जरूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने लेना होगा बॉयल्ड आलू। ये मैंने अपने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। आलू हमने अपना बॉयल कर लिया है। और अब हमें चाहिए होगा हरा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता की मात्रा थोड़ी आप ज़्यादा रखिए। हरी मिर्च जितना आपको तीखा रखना है उतना। और ये मैंने लहसुन लिया हुआ है, कुछ मैंने लहसुन को छील लिया हुआ है। अगर आपको ताज़ा लहसुन मिले पत्ते वाली तो उसे आप ज़रूर ट्राई करिए। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चूँकि वो हर जगह नहीं मिलता इसलिए मैंने उसे नहीं लिया हुआ है। और हमें लेनी होगी नमक। अब हमें अपने धनिया पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च को बहुत ज़रा सा पानी डाल के, आप एक चम्मच पानी बस डालिए और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। स्मूथ पेस्ट आपको बनानी है, पतली आपको नहीं करनी है। नहीं तो जब पतली होगी तो हमारा आलू का भी जो है मसाला वो पतला हो जाएगा, फिर आपको फिलिंग वगैरह करने में, स्टफ करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि पेस्ट आपको गाढ़ी ही रखनी है। अब देखिए, आज मैं ग्लास से आपको आलू को मैश करके दिखा रही हूँ। इससे भी आलू हमारा बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। गरम गरम आलू है, कोई भी आप अपनी ग्लास लीजिए और उसे आप आलू को प्रेस करके स्मैश कर लीजिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा ये मिक्सी किया हुआ धनिया पत्ता, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्सी कर देनी होगी। मैंने हाथ लगा के इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया पूरा। ये देखिए हमारा कितना सुंदर कलर आ गया इसका, बिल्कुल ग्रीन। और अब हम जैसे अपने आलू पराठे बनाते हैं वो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक आलू पराठा बना करके और दिखाती हूँ। तो हम अपना बनाना शुरू करते हैं। और ये लेके हम स्टफ करके, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ये आलू पराठे बनाने के लिए बस आपको धनिया पत्ता, मिर्च और लहसुन लेके आप इसे मिक्सी करिए और आलू में जो है आप मिक्स करिए और उसे आप पराठे बनाइए। और जब नए आलू होते हैं, नए आलू के साथ आप इनको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। साथ ही साथ इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। तो आप इसे बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और आप ये अचार को अगर आपने नहीं बनाया तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें हर खाने के साथ और इन पराठों के साथ। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अपने नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।